बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, अपनी लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करें, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो सेल्फ आइसोलेशन में है, पॉजिटिव आया है उनका टेस्ट, और वो सेल्फ आइसोलेशन में ऐसा क्या करें कि उनकी रिकवरी बेहतर तरीके से हो। हमने एक वीडियो इसके साथ ही रिलीज़ किया है जिसमें बहुत ही कम अवधि का एक ऐसा क्रम जो आप आइसोलेशन में जब हैं उस वक्त भी कर सकते हैं, उसका हम एक लिंक आपके साथ साझा कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन क्रियाओं का आप नियमित अभ्यास करें और क्रियाओं के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, ये आइसोलेशन हमारे लिए एकांत वास तो हो लेकिन लोनलीनेस नहीं बनना चाहिए। एकांत में और अकेलेपन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जितने भी लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। जीवन में हम सकारात्मक एटीट्यूड के साथ नकारात्मक सिचुएशंस को भी पॉजिटिव बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए पहली चीज़, हताश ना हो, निराश ना हो, समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है और आप उस समाधान को अपने प्रयास से निकाल सकते हैं। आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि जो पेशेंट्स आइसोलेशन में हैं वो नियमित रूप से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ज़रूर करें, जो हमने दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा किए। बहुत सुगम सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करेगा और इन्फेक्टेड लंग्स के लिए भी ये बहुत बहुत लाभकारी है, क्योंकि सांस लेने में कमी महसूस होना, ऑक्सीजन लेवल गिर जाना, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन प्रैक्टिसेस को करें। दूसरा काम, आपको जब समय मिले आप पेट के बल लेटिए, कमर के बल लेटने की जगह। जब आप पेट के बल लेटते हैं तो इससे आपका लंग्स का ज़्यादा एक्सपेंशन होता है और आपको सांस लेने में बेहतर होता है। तीसरी चीज़, हमें थकना नहीं है लेकिन कुछ भी और नहीं कर सकते तो अपने बिस्तर के आसपास ही हल्का हल्का बहुत माइल्ड वॉकिंग करते रहे। वॉक करने से हमारे लंग्स एक्टिव रहते हैं और हम बेहतर सांस लेने की कंडीशन में होते हैं। चौथा काम आपको ये करना है कि आप अपनी दिनचर्या आइसोलेशन में भी बना करके रखें। अक्सर हमें लगता है कि ये तो आइसोलेशन है, हम तो अभी बीमार हैं तो हम नहाए धोए नहीं, हम कपड़े नहीं बदले। इस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने कपड़े नियमित रूप से बदलिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, क्योंकि स्वच्छता आपके लिए इस इन्फेक्शन से लड़ने का एक बहुत बड़ा वेपन है। चाहे वो बाहरी स्वच्छता है, चाहे वो इंटरनल क्लीनलीनेस है, और जो हमने क्रियाएं भी आपको बताई हैं वो इंटरनल क्लीनलीनेस के लिए है कि जो मल है उसे हम कैसे विसर्जित कर सकते हैं बाहर, तो उन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें। पांचवा काम ये करना है कि इस अवधि में हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। पानी आप अच्छी मात्रा में लीजिए। अक्सर जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हम पानी कम पीते हैं। गुनगुना पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप सिप करके पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और प्रयास कीजिए कि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। यूँ तो आप टैबलेट्स भी ले ही रहे होंगे विटामिन सी की, लेकिन ऐसे फ्रूट्स ज़रूर अपने पूरे दिन की डाइट में ऐड कीजिए जो विटामिन सी से भरपूर हों। सातवां काम ये करेंगे कि ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से ज़रूर करना है, क्योंकि जब कोई विषमतम परिस्थिति आती है तो हम बहुत सारे नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं। फिर तो हमें अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना स्पाउस, अपने माता पिता सब नज़र आ जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं, इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब नहीं सोचना है आपको। और जब हम ये सब सोचते हैं, देखिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस हमारे विचारों से आता है और वो सीधा सीधा हमारे शरीर को इफेक्ट करता है और सबसे पहले हमारी श्वास को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा, आप नर्वस भी होते हैं तो सबसे पहले आपकी सांस इफेक्ट हो जाती है। आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स नियमित रूप से चेक करते रहिए,
एक छोटा सा काम और कर लीजिए। ध्यान का अभ्यास तो करेंगे ही करेंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे ही करेंगे, जो क्रियाएं बताई जा रही है उनका अभ्यास करेंगे। एक काम ये करेंगे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उस तुलसी के पौधे को आप अपने कमरे में, जिस कमरे में आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है, उस कमरे में रख लीजिए, क्योंकि तुलसी ऑक्सीजन देती है। इसलिए जहाँ आप हैं वहाँ उस पौधे को रखिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखिए और थोड़ा सा खुश रहिए। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन ओढ़ करके बैठ जाएं। 3-4 बार दिन दिल खोल करके हंस जरूर लीजिए। हंसना जो है वो हमारे लंग्स के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। तो चिंता से दूर रहेंगे, दिल खोल करके हंसेंगे, जो आहार में आपको चीज़ें बताई गई उनका पालन करेंगे, और अंतिम ये कि आपके ही घर पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका काढ़ा बना करके पी लीजिए। आपको गिलोय लेना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, अदरक का छोटा सा पीस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अदरक नहीं लेंगे। गिलोय, तुलसी के पत्ते, छोटा सा अदरक का पीस, इसको कूट करके पानी में बॉईल कर लीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए तो इस पानी को लेंगे, इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी डाल लेंगे और नींबू का रस, अगर नींबू आपको सूट करता है तो नींबू का नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, बट विटामिन सी होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसको दिन में 2 बार आप सेवन कर लीजिए, बस आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका रिकवरी रेट बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर होंगे। जो क्रियाएं हम दूसरी वीडियो में साझा कर रहे हैं उनका ज़रूर अभ्यास करें। धन्यवाद।